नमस्कार, आप देख रहे हैं मातृभूमि। मैं आपके साथ शोभना यादव, और इस वक्त देश ही नहीं दुनिया की सबसे बड़ी खबर यही है कि अमेरिका की कांग्रेस की स्पीकर नैंसी पेलोसी ने चीन को जवाब देकर ताइवान से साउथ कोरिया के लिए उड़ान भर ली है, लेकिन अभी सस्पेंस ये बना हुआ है कि अब क्या वो सीधे जापान जाएंगी या फिर साउथ कोरिया। जापान के इराबू द्वीप की तरफ बढ़ रहा है ये विमान, और लगातार इस विमान को एबीपी न्यूज ट्रैक भी कर रहा है। जापान के रास्ते दक्षिण कोरिया जा रही है नैंसी पेलोसी। हालांकि ऐसे सूत्र बता रहे हैं कि शायद कुछ बदलाव उनके कार्यक्रम में हो सकता है, लेकिन कार्यक्रम तो उनका साउथ कोरिया जाने का ही है। और कई जो विमान हैं उनको एस्कॉर्ट कर रहे हैं। यूएस स्पीकर नैंसी पेलोसी ताइवान से रवाना हो चुकी हैं। जापान के एयर स्पेस में इस समय नैंसी का विमान उड़ रहा है। मैं अपने सहयोगी प्रणय उपाध्याय का रुख करना चाहूंगी। प्रणय, क्योंकि आप इस विमान को लगातार ट्रैक कर रहे हैं, फटाफट हमारे दर्शकों को दिखा दीजिए और समझा दीजिए कि ये जो विमान है नैंसी पेलोसी का, ये वाया जापान होकर जा रहा है साउथ कोरिया, या फिर जापान भी रुक सकती है नैंसी पेलोसी? बिल्कुल शोभना, महत्वपूर्ण बात आपने भी कही, और अब ये नक्शे के ऊपर भी साफ हो चुका है कि दक्षिण कोरिया नहीं बल्कि जापान की तरफ नैंसी पेलोसी का ये विमान तेजी से आगे बढ़ रहा है। और ये विमान अगर आप देखें तो ये विमान करीब करीब 35,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भर रहा है और ये जापान की तरफ बढ़ता चला जा रहा है। यानी दक्षिण कोरिया पहले उन्हें जाना था, लेकिन उनके यात्रा कार्यक्रम में करीब 1 घंटे का डिले हुआ। 2:30 बजे की बजाय 3:30 बजे भारतीय समयानुसार ताइवान की राजधानी ताइपे से उनके इस विमान ने उड़ान भरी और अब ये जापान के एयर स्पेस के अंदर दाखिल हो चुका है। और अगर आप देखें तो कुछ इस तरीके की तस्वीर नजर आती है। ठीक इस जगह से उनका विमान आगे बढ़ रहा है। यानी ये जो ब्लॉकेड लगाया था, ये ब्लॉकेड चीन का, जहां पर उसने एक सैन्य अभ्यास के नाम पर इस पूरे इलाके के अंदर विमानों की आवाजाही रोकने की बात कही थी, वो बेअसर साबित हुआ। और अब नैंसी पेलोसी का विमान तेजी से आगे बढ़ता हुआ इस समय जापान, क्योंकि उन्हें अपने इस एशिया प्रशांत के दौरे में, उन्हें हिंद प्रशांत के इस दौरे में सिंगापुर मलेशिया के साथ साथ जापान और दक्षिण कोरिया भी जाना था, लेकिन दक्षिण कोरिया की बजाय अब वो फिलहाल जापान की तरफ जा रही हैं और जापानी वायुसेना के 6 विमान उन्हें उसका एस्कॉर्ट कर रहे हैं ओकिनावा से। ओवर टू यू शोभना। बिल्कुल प्रणय, लेकिन आप क्योंकि मेरे साथ जुड़े हुए हैं और मेरा सवाल आपसे ये भी है कि अगर ये कार्यक्रम में बदलाव किया गया है तो ये इसको कैसे समझे, क्या मायने इसके निकाले? देखिए, इसे इस तरीके से भी समझा जा सकता है। स्वाभाविक रूप से अमेरिका की चिंता, पेंटागन की चिंता जो है इस विमान की सुरक्षा को लेकर भी होगी, नैंसी पेलोसी की सुरक्षा को लेकर भी होगी, और इसीलिए विमान को लेकर ताइवान की बजाय ताइवान से सीधे जापान जाने के बारे में फैसला किया गया होगा, क्योंकि करीब 1 घंटे का डिले हुआ था इस विमान के ताइवान से ताइपे से उड़ान भरने के को लेकर जी। और इस तरीके से ये विमान अब जापान की एयर स्पेस में दाखिल हो चुका है और 6 F-15 विमान जो है जापान के, वो इसे एस्कॉर्ट करने के लिए भी उड़ान भर चुके हैं, साथ ही टैंकर भी हैं। यानी काफी समय तक जापानी वायुसेना जो है वो विमान में, जो हवा में इस विमान की हिफाजत कर सकती है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद प्रणय उपाध्याय। तो लगातार इस प्लेन पर हमारी नजर बनी हुई है। कार्यक्रम में ऐसा लग रहा है प्लेन को देखकर लाइव ट्रैकर के जरिए कि इसके कार्यक्रम में कुछ बदलाव है। अब साउथ कोरिया ना जाकर नैंसी पेलोसी शायद जापान में लैंड करेगी। इस समय की एक और बड़ी खबर आपको दे दें, अब ताइवान की जो बयान है वो सामने आ गया है। कहना है कि यूएन के नियमों को तोड़ रहा है, ये जो युद्धाभ्यास है चीन का वो तोड़ा जा रहा है यूएन के नियमों को। चीन यूएन के नियमों को तोड़ रहा है, ये ताइवान की बड़ी प्रतिक्रिया। नैंसी पेलोसी ने जैसे ही उड़ान भरी उसके बाद ताइवान की ये प्रतिक्रिया आई है। जो चीन युद्धाभ्यास कर रहा है उसको लेकर कि चीन का ये जो युद्धाभ्यास है ये यूएन के नियमों का उल्लंघन है, चीन यूएन के नियमों को तोड़ रहा है। ये बड़ा बयान ताइवान की तरफ से ऐसे वक्त में सामने आया है जब नैंसी पेलोसी चीन के विरोध के बावजूद ताइवान की धरती पर लैंड की, वहां पर कुछ समय बिताया और आज दोपहर में जैसे ही 3:30 बजे उन्होंने उड़ान भरी उसके बाद ताइवान की ये बड़ी प्रतिक्रिया, चीन यूएन के नियमों को तोड़ रहा है। चीन ताइवान तनाव के बीच चीन की गिदड़ भभकी को करारा जवाब मिल गया है। थोड़ी देर पहले तक दुनिया भर की निगाहें ताइपे एयरपोर्ट पर थी, जहां अमेरिका की तीसरी सबसे बड़ी नेता का विमान खड़ा हुआ था और भारतीय समय के मुताबिक ठीक 3:30 बजे दुनिया के सामने ये तस्वीर सामने आई है जब नैंसी पेलोसी का विमान ताइपे एयरपोर्ट से उड़ान भर चुका है। नैंसी के विमान ने 1500 किलोमीटर दूर दक्षिण कोरिया के लिए उड़ान भरी है। हालांकि सस्पेंस अभी भी बरकरार है कि नैंसी पेलोसी का ये विमान दक्षिण कोरिया जाएगा या फिर ये जापान में लैंड कर सकता है। चीन की धमकी और चेतावनी के बाद माना यह जा रहा है कि अमेरिका ने एयरफोर्स वन के रूट में भी बदलाव किया है।
प्रणय उपाध्याय का मैं रुख करना चाहूंगी। प्रणय, जैसा कि आप कयास लगा ही रहे हैं कि ये जापान के रास्ते में है, तो हो सकता है कि जापान लैंड करे, लेकिन मेरा सवाल ताइवान के रिएक्शन को लेकर भी है कि जैसे ही नैन्सी पेलोसी के विमान ने उड़ान भरी, ताइवान की प्रतिक्रिया आई कि चीन जो है वो यूएन के नियमों का उल्लंघन कर रहा है। बिल्कुल शोभना, जिस तरीके से आपने कहा, और ये सवाल महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है, पहली बात तो ये कि एक बार हम लाइव ट्रैकर पर दिखा दें कि विमान किस तरफ जा रहा है। ताइवान की राजधानी ताइपे से उड़ान भरने के बाद ये जो विमान है, नैन्सी पेलोसी का विमान, ये अब जापान की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि ये पूरी जापानीज टेरिटरी है। जो आप नक्शे पर देख सकते हैं, ये जापान की तरफ का रास्ता है, यानी दक्षिण कोरिया की बजाय अब जापान का रुख कर रही है नैन्सी पेलोसी इस विमान के जरिए। और जहां तक आपने जिस सवाल को उठाया है शोभना, बहुत महत्वपूर्ण सवाल, ताइवान की प्रतिक्रिया है नैन्सी पेलोसी के जाने के बाद, जो प्रतिक्रिया आई है कि ये संयुक्त राष्ट्र के जो नियम है उनके विरुद्ध है, क्योंकि आप देखिए अनक्लॉज जो है, यूनाइटेड नेशंस लॉज ऑफ हाई सीज, ये जो कन्वेंशन है उसके तहत ये मामला विरोध का बनता है, ये मामला इसके उल्लंघन का बनता है, और इसलिए बनता है क्योंकि ताइवान के इर्द गिर्द इस तरीके से ब्लॉकेड लगाया है, और अनक्लॉज के नियमों के आधार पर ही दक्षिण चीन सागर के मुद्दे को लेकर अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट फिलीपींस और चीन के बीच में यह फैसला दे चुकी है, जिसके अंदर चीन से कहा गया था कि वो इस हाई सीज के अंदर ब्लॉकेड नहीं लगा सकता, यानी फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, आवाजाही की, ओवरफ्लाइट, यानी विमानों की आवाजाही की जो है, चाहे समंदर पर आवाजाही हो, चाहे आसमान की आवाजाही हो, इस पूरे इलाके पे, जिस इलाके पर चीन अपने दक्षिण चीन सागर का दावा करता है, वहां पर उसका कोई हक नहीं बनता है। और यही नियम जो है, और इसी का हवाला देते हुए ताइवान की तरफ से कहा गया है कि संयुक्त राष्ट्र के नियमों का उल्लंघन कर रहा है चीन इस तरीके का ब्लॉकेड लगाकर, और निश्चित रूप से यह मामला अब संयुक्त राष्ट्र में भी तूल पकड़ सकता है। बिल्कुल प्रणय उपाध्याय, नैन्सी पेलोसी चीन के लगातार विरोध के बावजूद वहां पर लैंड की, वहां पर उन्होंने समय बिताया और सुरक्षित वापस उन्होंने उड़ान भी भर ली, और शायद यही बात जो है वो ताइवान को हिम्मत दे रहा है कि अमेरिका मेरे साथ खड़ा हुआ है, चीन की मर्जी के खिलाफ भी देखिए इस पूरे कार्यक्रम को सुरक्षित तरीके से पूरा किया गया। इस समय की बड़ी खबर यही है कि नैन्सी पेलोसी जो है वो ताइवान की सीमा को छोड़ चुकी है, अब वो जापान में लैंड करेंगी या साउथ कोरिया में, इस पर सस्पेंस बना हुआ है। हालांकि लाइव ट्रैकर के जरिए जब हम नैन्सी पेलोसी के विमान को ट्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो जापान की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आज की ये बेहद महत्वपूर्ण तीन तस्वीरें इस समय आपके सामने, कल रात के अंधेरे में ताइवान पहुंची थी नैन्सी पेलोसी विरोध के बावजूद चीन के, और अब इस पूरी यात्रा के सफल होने के बाद यह कहना गलत नहीं होगा कि चीन का जो घमंड था वो चकना चूर हुआ। कहीं ना कहीं अमेरिका ने पूरी दुनिया को यह संदेश दे दिया कि अभी भी सुपर पावर अगर कोई देश है तो वो अमेरिका है, चीन की इन गीदड़ भभकियों से वो डरने वाला नहीं है। आज आग से मत खेलो, ये बयान दिया गया था चीन की तरफ से, लेकिन उसके बावजूद नैन्सी पेलोसी ताइवान पहुंची, वहां पर उन्होंने कहा कि हमें जो चाइना पॉलिसी है उससे कोई एतराज नहीं है, लेकिन डराया धमकाया नहीं जा सकता है, हम लोकतंत्र के साथ खड़े हुए हैं। दो मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मेजर जनरल रिटायर्ड संजय सोई जी रक्षा विशेषज्ञ हैं, और स्कंद तायल जी पूर्व राजनयिक हैं, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मैं पहले रुख करना चाहूंगी मेजर जनरल रिटायर्ड संजय सोई जी का। संजय जी, नैन्सी पेलोसी ताइवान आती हैं, उनका दौरा सफल तरीके से पूरा होता है, उनको जो संदेश दुनिया को देना था वो ताइवान की धरती से देती हैं, चीन को भी कड़े शब्दों में समझाती हैं अपने बात, और वापस उड़ान भर लेती हैं। चीन के लिए क्या संदेश और इसके क्या मायने चीन को आज मिले? चीन के लिए शोभना जी, ये वाकई में एक बहुत ही सच संदेश है। दोनों एक स्टेज ऐसी थी, अमेरिका और चीन दोनों एक दूसरे को आंखों में आंखें डाल के बैठे थे, देख रहे थे कौन झुकता है। चीन ने शुरू से धमकी दी थी नैन्सी पॉलिसी की विजिट के लिए, कि विजिट के लिए चीन बहुत कड़ा विरोध करेगा, मिलिट्री ऑप्शन रहेंगे, शुरू से ये कहते रहे। और बल्कि अमेरिका के खुद डिफेंस मिनिस्टर ने यह बोला था, डिफेंस सेक्रेटरी ने कहा था कि विजिट ना की जाए, इसमें ठीक नहीं मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये विजिट की गई, एस्कॉर्ट के साथ की गई, दमखम के साथ की गई, और दिखाया गया दुनिया को अमेरिका ने कि वो जहां चाहे जा सकते हैं, जहां चाहे लैंड कर सकते हैं, जिसने रोकना है तो रोक ले। तो यहां पे चीन ने एक बड़ी स्ट्रेटेजिक मिस्टेक ये हो गई है कि उन्होंने उस लेवल तक लेके अपने जो भाषणबाजी, अपनी बयानबाजी को बहुत ऊंचा ले गए थे, अभी वहां से उनको लग रहा है वापस कैसे आए। मतलब उन्होंने क्या दिया था, मिलिट्री ऑप्शन है, टारगेटेड मिलिट्री रहेगा, सख्त कड़े कदम उठाएंगे। तो यहाँ पर आप देखिए कि अब हो कुछ नहीं पा रहा, ना कर सकते हैं। और हालांकि आप देखिए, थोड़ा बहुत अपनी इज्जत बचाने के लिए
साइबर अटैक कर दिए, थोड़ा बहुत सैंक्शन लगा दिया, एक्सपोर्ट रोक दिया, चारों तरफ से घेराबंदी कर दी, एक्साइज कर रहे हैं, लेकिन वो आई निकल गई और विजिट करके दिखा दिया। एक चीज और मैं शोभना जी एक छोटा 30 सेकंड और लूंगा कि अमेरिका के लिए बहुत जरूरी था ये करना। देखिए यूक्रेन के बाद और अफगानिस्तान के बाद अमेरिका को अपने साथियों को दिखाना था कि मेरे में अभी भी दम है, मेरे पे भरोसा करो, मैं कर सकता हूँ, तुम्हारे साथ खड़ा हो सकता हूँ। और हमारी जो थर्ड लेवल की यूएस के उसमें जो पॉलिटिशियन है वो आज वहां पहुंची है, पूरे दमखम के साथ पहुंची है, चाइना की वार्निंग के बाद पहुंची है। ये सब बड़ा जरूरी था ताकि जापान, साउथ कोरिया और एशिया के जो बाकी देश अमेरिका के साथ है। मैं आपकी बात से बहुत हद तक सहमत हूँ, लेकिन स्कंद तायल जी का रुख करना भी इस समय बेहद जरूरी है। पूर्व राजनयिक है स्कंद तायल जी, आपने सुना की अमेरिका कहीं ना कहीं सफल हुआ ये संदेश देने में कि देखो मैं अभी भी सुपर पावर हूं। लेकिन उसी तरह अगर हम यूक्रेन के मामले में समझें, आप जानते ही हैं कि यूक्रेन के साथ खड़ा था, लेकिन जब युद्ध की स्थिति पैदा हुई तो हट गया। अब अगर ताइवान और चीन के बीच में इस तरीके का तनाव बढ़ जाता है तो फिर अमेरिका तो आप जानते हैं साथ देगा नहीं। तो ऐसे में क्या आपको नहीं लगता कि ताइवान के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं? देखिए जो अमेरिका की नीति इस समय है, पहले तो मैं दोनों साहब से सहमत हूँ कि ये मैसेजिंग उनके एलाइज को भी है, अमेरिका के एलाइज जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया की अफगानिस्तान में एक साल पहले जिस तरह अमेरिका छोड़ के चला गया था, इंडो पैसिफिक में अमेरिका है और रहेगा और अपने एलाइज के साथ खड़ा रहेगा। पर यहाँ जो सबसे बड़ी समझने की बात है, देखिए यूक्रेन में यूक्रेन लड़ रहा है, अमेरिका नहीं लड़ रहा। इसीलिए तो मैं कह रही हूँ ना कि अगर ताइवान के साथ युद्ध की स्थिति पैदा हो गई तो अमेरिका नहीं लड़ेगा, और ताइवान के तो बस का नहीं है चाइना के सामने टिकना। इसलिए मैं कह रही हूँ कि ठीक है अमेरिका ने दुनिया को यह संदेश जरूर दे दिया, लेकिन इन छोटे देशों को भी तो समझना होगा ना कि अमेरिका क्या खेल खेल रहा है। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, ताइवान को समझना चाहिए। एक तो दो चीजें हैं, ताइवानी खुद लड़ने और बढ़ने के लिए तैयार है, और दूसरी चीज जिस जो आज चाइना कोशिश कर रहा है कि ब्लॉकेड ताइवान का करेगा, जो एक्सरसाइज जो आपने भी अपने नक्शे में जो दिखाया कि छह जगह जो चारों तरफ छह ओर से उन्होंने नो एंट्री जोन जैसी बनाई है ताइवान के तरफ, उसमें से 3 जोन्स ताइवान के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन और टेरिटोरियल वाटर्स में भी हैं, जो कि यूनाइटेड नेशंस अनक्लॉज का बिल्कुल उल्लंघन है। तो चाइना ये दिखा रहा है कि वो क्या कर सकता है, और देखिए इस तरह अगर होगा तो अमेरिकन नेवी को ये ब्लॉकेट तोड़ना होगा। यूएस एयरक्राफ्ट कैरियर रोनाल्ड रीगन वहां पर है और अमेरिका इसके पीछे नहीं हट सकता, जिस तरह से वो यूक्रेन के साथ नहीं आया कि यूक्रेन तो नेटो मेंबर नहीं था, पर जब बाइडेन साहब टोक्यो में थे 23 मई 2022 को उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि यूनाइटेड स्टेट्स ताइवान की डिफेंड करने के लिए मिलिटरीली इंटरवीन करने के लिए तैयार है। ये बाइडेन साहब ने 23 मई को स्टेटमेंट दिया है और उन्होंने कहा कि ये कमिटमेंट हम ये कर रहे हैं। दूसरी चीज, मई में भी 2022 में जो यूएस स्टेट डिपार्टमेंट की वेबसाइट है उसमें जो ताइवान के बारे में उन्होंने कहा है, जो फैक्ट शीट्स होती हैं, उसमें से 2 सेंटेंस उन्होंने हटा दिए। एक सेंटेंस यूएस डज नॉट सपोर्ट ताइवान इंडिपेंडेंस, उसको हटा दिया, डिलीट कर दिया। और दूसरा सेंटेंस, इट एक्नोलेजेस द चाइनीज पोजीशन दैट देयर इज बट वन चाइना एंड ताइवान इज पार्ट ऑफ चाइना। देखिए जिस तरह से विस्तारवाद की नीति चाइना की चल रही है, जिस तरह से वो हर जगह स्टेटस को यथास्थिति को बदलने का प्रयत्न कर रहा है, चाहे वो डोकलाम भूटान हो, चाहे वो गलवान हिंदुस्तान हो, चाहे वो साउथ चाइना सी हो, अमेरिका और सबकी समझ में आ गया है कि अगली बार इसकी आग चीन की जो दृष्टि है अब ताइवान पर है। पर अब अमेरिका और सब देशों ने कहा है दिस बार और नो फर्दर, और चाइना इसलिए वीजा भर्ती देगा, पर देखिए चाइना युद्ध के लिए तैयार नहीं है। बिल्कुल, और कल मैं स्कंद तायल जी मैं बताना चाहूंगी कि कल हमारे साथ दीपक वोरा जी पूर्व राजनयिक है वो भी जुड़े थे, उनका भी यही कहना है कि ये सिर्फ और सिर्फ गीदड़ भपकी है, चीन कुछ नहीं करेगा। लेकिन संजय सोई जी, ताइवान का आज बयान आ गया है, हालांकि जैसे ही नैन्सी पॉलिसी ने उड़ान भरी उसके बाद ये बयान आया कि भाई ये यूएन के नियमों का उल्लंघन कर रहा है। अभी स्कंद तायल जी ने भी ऐसा ही कहा, कर रहा है तो कर रहा है, लेकिन ये तो एक दादागिरी है ना, क्योंकि अब कोई कदम चीन के खिलाफ तो उठाया नहीं जाएगा।
नहीं बिल्कुल, ये जो इस समय में जो सिचुएशन है बड़ी ये टेंस सिचुएशन है आप शोभना जी अगर देखें तो, क्योंकि चीन की भी बड़ी शी जिनपिंग को भी दिखाना है कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या करना है, कुछ ना कुछ डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए अपनी लीडरशिप के लिए, अक्टूबर में इलेक्शन आ रहे हैं उनकी मीटिंग आ रही है, ये सब के लिए कुछ ना कुछ जरूरी है उनको करना। अब आप देखिए कि उन्होंने छह तरफ से घेरा हुआ है, उनका फाइटर डिप्लॉयड है, उनकी लैंड फोर्सेस का काफी बड़ी संख्या में आप लोग दिखाते रहे ग्राफिक्स में किस प्रकार से मोबिलाइजेशन हुआ है, तो ये सब देखते हुए जो वहां पर यूएन का उल्लंघन है, क्योंकि वहां सी स्टेट इतना कम है कि वहां पर उनको एक्सरसाइज करते हैं थोड़ा सा भी मूवमेंट होती है तो इंटरनेशनल वाटर वो से छोड़ के वो ताइवान के वाटर में आ जाते हैं, वो दोनों का कॉमन ही वाटर हो जाता है, तो वो सब देखते हुए वहां पे मना है। लेकिन बात सही है कि उनको दिखाना है कुछ ना कुछ करना है, और मैं तायल जी की बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि यहाँ पर इनके जो घेराबंदी को तोड़ना पड़ेगा, और मेरी वैसे उम्मीद ऐसी लग रही है कि दो तीन दिन बाद शायद खुद ही वो घेराबंदी कम कर दे। अब वो कह रहे हैं हमारी 4 से 6 तारीख तक एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज खत्म होगी उनकी अपनी डोमेस्टिक पॉपुलेशन के लिए मैसेजिंग हो जाएगा कि हमने करके भगा दिया है, वो ऐसी पॉलिसी चली गई और छुप के आई थी छुप के चलेगी, उनका रास्ता ही बदली करवा दिया हमने, उनका रास्ते डेस्टिनेशन चेंज करवा दिया है, और ये सब वो अब क्योंकि वहां तो सेंसर है, वहां जो बताएंगे जो शी जिनपिंग कहेंगे जो उनकी मीडिया कहेगी वही उनको मिलेगा डोमेस्टिक पॉपुलेशन को, तो वो आज उनकी कंजम्पशन के लिए भी ये सब वीडियो बन रहे हैं, जो चीजें एक्साइज हो रही है ये सब चल रहा है। शुभ बिल्कुल संताल जी आपका रुख करना चाहूंगी, हमारे यहाँ कहावत कही जाती है खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, और चीन की इस समय वही स्थिति है, जिस तरीके के सैंक्शंस फल और सब्जियों को लेकर वो लगा रहा है ताइवान के ऊपर वो बिल्कुल वैसा ही है, और ताइवान जैसा देश जो ताकत में बेहद कम है चीन से, आप इस तरीके के सैंक्शंस लगाकर कहीं ना कहीं अपनी मजाक ही उड़वा रहे हैं दुनिया में, फल और सब्जियों पर सैंक्शन लगा रहे हैं आप। इस सब मामले को तूल तो चाइना ने ही दिया, नैंसी पेलोसी ने तो इस विजिट को अनाउंस भी नहीं किया था, और जब इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मली कुछ पता चला तो ग्लोबल टाइम्स जो कि ऑफिशियल स्टेटमेंट ही प्रैक्टिकली देता है उन्होंने बहुत गंभीर स्टेटमेंट दिए कि बहुत बुरा परिणाम होगा, पूरा चाइनीज सोशल मीडिया देखिए, तो उस समय एक स्थिति ऐसी हो गई थी कि अमेरिका और नैंसी पेलोसी से पीछे नहीं हट सकती थी, तो ये चीन को एक वाइड डिप्लोमेसी करनी चाहिए थी अगर उनको नैंसी पेलोसी का आना रोकता था। दूसरी चीज कि अब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि मैसेजिंग चाइना की जनता के लिए भी है, 2 महीने बाद 20th पार्टी कांग्रेस होने वाली है, तो एक चाइना इस तरह से प्रेजेंट करेगा कि इन्होंने बहुत इफेक्टिव मेजर्स लिए और ताइवान को इन्होंने पनिश भी किया चीन ने, जो कि बिल्कुल सही नहीं है, और दुनिया देख रही है कि किस तरह से, देखिए चाइना में एक और बात है, वो लाओत्सु का जो उनकी जो फिलॉसफी है कि इस तरह का एक आक्रामक रवैया अपनाइए कि दुश्मन पहले ही हार मान ले बिना लड़े ही। बिल्कुल तो बिल्कुल, और स्कंद दयाल जी कल ग्लोबल टाइम्स ने जिस समय नैंसी का विमान लैंड करना था उस समय जिस तरीके की खबरें स्प्रेड करना शुरू की फैलाना शुरू की उससे मैं बिल्कुल सहमत हूँ आपसे कि चीन कहीं ना कहीं अफवाहों के बाजार को गर्म कर रहा था कि देखिए हम कुछ ना कुछ बड़ा कर सकते हैं क्योंकि ये हमारे आंतरिक मामलों में दखलंदाजी है। आप दोनों ही मेहमान हमारे साथ बने रहिए, मैं रुक करना चाहूंगी मेरे सहयोगी प्रणय उपाध्याय का। प्रणय, कयास ये लगाया जा रहा है कि नैंसी पेलोसी जो है वो जापान जा सकती है, साउथ कोरिया शायद वो ना जाए, क्या आप हमें लाइव ट्रैकर से ये बताएंगे ट्रैक कर कि ये विमान अब किस दिशा में आगे बढ़ रहा है? बिल्कुल शोभना, आप अगर लाइव ट्रैकर के हिसाब से देखें तो ये विमान इस समय जो है जापान की तरफ बढ़ रहा है, यानी आप देखें यहां से इस विमान ने रास्ता कुछ बदला है, ये विमान पहले इस तरफ जा रहा था और उसके बाद सीधे से जापान का रुख किया है, और ये विमान तेजी से जापान की तरफ है और ये जापान की टेरिटरी है। ऐसा माना जा रहा था कि पहले उन्हें दक्षिण कोरिया जाना है क्योंकि यहां दक्षिण कोरिया है और इस तरफ जापान है, लेकिन अपने जो ये दौरा है उनका जिसके अंदर पहले वो सिंगापुर गई उसके बाद मलेशिया गई और मलेशिया के बाद ही उन्होंने ताइवान का रुख किया था, कुछ देर के लिए वो ताइवान में रुकी, करीब एक दिन का उनका यह दौरा था, कल रात वो पहुंची थी, आज दोपहर में करीब 3:30 बजे उन्होंने भारतीय समय के अनुसार यहां से उड़ान भरी है, और उड़ान भरने के बाद उन्होंने ये जो रुख किया है, और साथ ही उड़ान के बाद जो पहला ट्वीट किया है नैंसी पेलोसी ने
वो भी महत्वपूर्ण हो जाता है। उन्होंने कहा कि हम ताइवान के लोगों की बात सुनने के लिए यहां आए थे और उनकी बात सुन के उनके साहस को देखकर हमारा भी हौसला बढ़ा है और हम ताइवान के साथ हैं, ये कहना है नैन्सी पेलोसी का। और आप ट्रैकर से देख सकती हैं कि किस तरीके से अब जापान वो जा रही हैं और जापान के बाद उन्हें दक्षिण कोरिया भी जाना है। लेकिन जो ब्लॉकेट जिसका जिक्र कर रहे थे और अनक्लॉज के तहत जिस पर ताइवान ने एतराज जताया है शोभना, वो भी महत्वपूर्ण हो जाता है। और अब चीन के इस ब्लॉकेट की भी हवा निकल चुकी है और ये निश्चित रूप से जिस तरीके से जनरल सोई कह रहे थे कि चीन बहुत आगे ले गया इस मामले को और शायद उसे एक बड़े देश को, एक ताकतवर देश को ऐसी चीजें नहीं करनी चाहिए क्योंकि इससे उसकी साख को भी धक्का लगता है। बिल्कुल ठीक है। और मैं स्कंद तायल जी, जो कि पूर्व राजनयिक, उनको एक बार फिर से रुख करना चाहूंगी। स्कंद तायल जी, आपने देखा कि यूक्रेन और रशिया का जो वॉर चल रहा है, जो युद्ध चल रहा है, उसके चलते पूरे देश में, बहुत सारी दुनिया में बहुत सारी चीजों की, खाद्य पदार्थों की कमी हो गई, गेहूं के खासतौर पर। अब अगर इस तरीके का स्ट्रेस यहां दिखाई देता है और सिर्फ अमेरिका ये प्रूफ करने की कोशिश करता रहता है कि देखिए साहब मैं सुपर पावर हूं, तो पूरी दुनिया खतरे में आ सकती है। हर छोटी छोटी बात पर आप जानते हैं कि इस तरीके का मिजाज देशों का हो गया है कि वर्ल्ड वॉर की भी आशंका बनी रहती है। तो कहीं ना कहीं यह गैर जिम्मेदाराना व्यवहार चीन का तो है ही है, साथ साथ अमेरिका का भी आप मानते हैं। देखिए, यूक्रेन की स्थिति में और जो इंडो पैसिफिक में और चाइना जो कर रहा है, बहुत फर्क है। यूक्रेन में मैं मानता हूँ कि स्टेटस को डिस्टर्ब अमेरिका कर रहा था, नाटो कर रहा था, नेटो में नए नए देशों को लाकर वो रूस की सिक्योरिटी को चैलेंज कर रहा था, उसको परेशान कर रहा था। पर अगर हम इंडो पैसिफिक में देखें तो ये सब कार्रवाई चीन कर रहा है और चीन को किसी को रोकने की स्थिति केवल अमेरिका की है। मैं तो अपने चीनी लोगों से कभी बात करता हूं तो कहता हूं कि अगर पैसिफिक वॉर में, सेकंड वर्ल्ड वॉर में अमेरिका नहीं आता तो चाइनीज तो इस समय जापानीज बोल रहे होते, आधे जापान आधे चीन पर जापान का कब्जा हो चुका था। तो उन्हें समझना चाहिए कि अमेरिका को और हम सबको समझना चाहिए कि इंडो पैसिफिक में बैलेंस रखने के लिए और चाइना को अपनी जगह रखने के लिए अमेरिका का यहाँ होना बहुत बहुत ही जरूरी है। मैं दरअसल तायल साहब, मैं युद्ध की स्थिति की बात कर रही थी कि इस तरीके से जो देश एक दूसरे को संदेश देने के लिए, अपनी अपना वर्चस्व कायम करने के लिए जो संदेश दे रहे हैं, उससे पूरी दुनिया को खतरा पैदा हो सकता है। ये मैं जानती हूँ कि यूक्रेन की स्थिति अलग है और चीन चाइना के इंडो पैसिफिक में अलग स्थिति। तो ताइवान पर तकरार, ये बड़ी कवरेज लगातार एबीपी न्यूज पर आप देख रहे हैं। और इस समय जो बड़ी खबर मिल रही है वो नैन्सी पेलोसी के विमान को लेकर मिल रही है। नैन्सी पेलोसी का विमान दक्षिण कोरिया की तरफ मुड़ गया है, यानी ये जो कयास लगाया जा रहा था कि हो सकता है कार्यक्रम में कुछ बदलाव किया गया हो और वो जापान जा रही हो, लेकिन अब सियोल की तरफ जा रहा है नैन्सी का विमान। इससे साफ है कि ये विमान दक्षिण कोरिया की तरफ अब मुड़ गया है और अगला डेस्टिनेशन नैन्सी पेलोसी का दक्षिण कोरिया ही होगा। मैं रुक करना चाहूंगी मेरे सहयोगी प्रणय उपाध्याय का। प्रणय उपाध्याय, लाइव ट्रैकर के जरिए हमें दिखा रहे हैं कि नैन्सी पेलोसी का जो प्लेन है, जो हवाई जहाज है, उसकी एग्जैक्ट लोकेशन क्या है। और प्रणय, अब तो ये सियोल की तरफ मुड़ गया है प्लेन, तो मुझे लग रहा है कि अब जो कार्यक्रम पहले था वही कार्यक्रम रहेगा और वो दक्षिण कोरिया ही जा रही है, जापान नहीं। बिल्कुल इस तरीके से देखा जा सकता है। फिलहाल अगर आप देखें इस पूरे इस विमान के रूट को, तो इसने दो बार अपना रास्ता चेंज किया है, यानी ताइपे से उड़ान भरने के बाद इस विमान ने पहले ईस्ट की तरफ रुख किया, उसके बाद यहां से ये जापान के जो आइलैंड समूह हैं, ये जो पूरी आइलैंड चेन जापान की है, इसके जो है अलाइनमेंट के साथ में आगे बढ़ता है और उसके बाद फिर यहां से इसने टर्न लिया है। और ये विमान अब अगर आप इसी रास्ते पर आगे बढ़ते हैं तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये दक्षिण कोरिया की तरफ ये रास्ता जा रहा है और दक्षिण कोरिया की तरफ ही ये विमान फिलहाल बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन जब तक ये लैंड नहीं कर जाता, क्योंकि ये यूएस एयरफोर्स का विमान है और यूएस एयरफोर्स के इस विमान में नैन्सी पेलोसी सवार हैं और ऐसे में सुरक्षा के तमाम इंतजाम बढ़ते जा रहे हैं इस विमान को लेकर, क्योंकि आपको मैं दिखाना चाहूंगा शोभना जिस तरीके से, ये देखिए यहां पर ये जो प्लेसमेंट है, ये अमेरिकी वॉरशिप्स का प्लेसमेंट है, यानी अमेरिका के जो युद्धपोत हैं इस तरीके से यहां पर तैनात किए गए हैं। और दक्षिण कोरिया पहुंचने तक, यानी इस विमान के रूट को अगर आप देखें तो यहां से निकलने के बाद इस जगह पर वो तैनात है, यानी यूएसएस त्रिपोली जो अमेरिकी युद्धपोत है वो, और उसके बाद अमेरिकन यूएस शिप अमेरिका जो है उसके जद में साथ, यानी उसकी हिफाजत के साथ ये विमान आगे बढ़ेगा। और फिलहाल अगर आप देखें तो ये लाइव ट्रैकर में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से दक्षिण कोरिया की तरफ ये विमान बढ़ रहा है, यानी यही वो जगह है जहां पर जो अमेरिकी युद्धपोत तैनात हैं, एक युद्धपोत इस जगह पर तैनात है, दूसरा इस तरफ तैनात है, और ये इसके कवरेज के साथ इस विमान को दक्षिण कोरिया तक सुरक्षित पहुंचाया जाएगा। लेकिन फिलहाल ये साफ लग रहा है कि ये विमान जो कि जापान की तरफ जाता हुआ इससे पहले नजर आ रहा था, इसीलिए कहा जा रहा था कि शायद ये जापान जा रही है, क्योंकि जापान और दक्षिण कोरिया
किया, दोनों ही उनके यात्रा के एजेंडा में शामिल हैं, इसीलिए जापान जाने के भी कयास लग रहे थे। लेकिन फिलहाल विमान की जो पोजीशन है, उसकी जो डायरेक्शन है, उसको देख के लगता है कि वो दक्षिण कोरिया ही जा रही हैं, जो उनके डेस्टिनेशन में पहले से तय था। जी शोभना, बहुत बहुत धन्यवाद प्रणय, और नजर बना के रखिए क्योंकि अगला डेस्टिनेशन नैन्सी पेलोसी का होगा साउथ कोरिया। नजर पूरी दुनिया की इस दौरे पर, एशियाई देशों के दौरे पर निकली हुई है। ताइवान दौरे से चीन का घमंड चकनाचूर किया है अमेरिका ने। ताइवान में अमेरिकी संसद की स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने ताइवान की राष्ट्रपति साई इंग-वेन से मुलाकात की, जहां नैन्सी पेलोसी ने साफ कर दिया कि अमेरिका ताइवान के साथ खड़ा हुआ है। नैन्सी ने यह भी कहा कि अमेरिका अपने वादे से पीछे नहीं हटेगा, ताइवान के लोकतंत्र का अमेरिका सदैव साथ देगा। Five senators, bipartisan, came again, including the chair of the Foreign Relations Committee, Mr. Menendez, came. Not too much of a fuss was made. While China has stood in the way of Taiwan participating and going to certain meetings, that they understand that they will not stand in the way of people coming to Taiwan. They made a big fuss because I'm speaker, I guess. I don't know if that was a reason or an excuse. और दो बेहद खास मेहमान मेरे साथ लगातार बने हुए हैं, रिटायर्ड मेजर जनरल संजय सोई जी जो कि रक्षा विशेषज्ञ हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्कंदायल जी पूर्व राजनयिक हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्कंदायल जी, मैं आपसे एक बार फिर ये समझना चाहूंगी कि ठीक है, अमेरिका ने अपनी ताकत को बता दिया कि साहब हम वर्ल्ड पावर हैं, ये जो एशियाई देशों का दौरा है नैन्सी पेलोसी का, इसको हम कैसे समझे, कितना अहम ये अमेरिका के लिए, क्या बाजार की खोज में है अमेरिका या क्या इसके मायने हैं? देखिए, अमेरिका में अगर उनका पूरा एनालिस्ट जो कह रहे हैं और उनके नेता जो कह रहे हैं कि वो अब ये समझ रहे हैं कि दूरगामी चैलेंज जो अमेरिकन सिविलाइजेशन को, अमेरिकन इकोनॉमी को, अमेरिकन स्ट्रेटजी को आएगा, वो चाइना से आएगा। और इसीलिए हमने देखा कि यूक्रेन में जो कुछ हो रहा है वो तो अलग चीज है, पर प्रेसिडेंट बाइडेन भी मई में आए और वो कोरिया गए, जापान गए, और उन्होंने भी बहुत क्लियर मैसेजिंग किया इस एरिया के लिए कि अमेरिका इंडो पैसिफिक से पूरी तरह जुड़ा हुआ है, और उन्होंने एक इकोनॉमिक फोरम की भी घोषणा की। नैन्सी पेलोसी हाउस स्पीकर हैं और इस समय थर्ड पोजीशन पर हैं अमेरिकन सिस्टम में, हायरार्की में, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, उसके बाद स्पीकर। और वो इस समय देखिए कहाँ कहाँ जा रही है, सिंगापुर जो बहुत एक अमेरिका के साथ है, डिफेंस अलाइज तो नहीं है पर साथ है, और साउथ कोरिया और ताइवान रुकी वो, और जापान। तो फिर इसी तरह का एक ये संदेश है जो अगर आप देखें तो जो मैसेजिंग ये हो रहा है कि अगली लड़ाई टेक्नोलॉजी की लड़ाई होगी और मार्केट्स की लड़ाई होगी, उसमें भी चीन आगे बढ़ने का प्रयत्न कर रहा है अमेरिका से, और जितनी डेमोक्रेसीज हैं, जितने वेस्टर्न कंट्रीज हैं, एडवांस कंट्रीज हैं, उनको टेक्नोलॉजी में भी बात देना चाहता है। ये अमेरिका, भारत, जापान और सब डेमोक्रेटिक देशों की समझ में आ गया है कि ये लड़ाई जो है ये अब शायद तोप गोले से नहीं होगी, अब ये टेक्नोलॉजी की और बाजार की लड़ाई है, और पूरी दुनिया में अब यही लड़ाई जो है वो एक नए रूप में आगे बढ़ रही है। मैं संजय सोई जी आपका रुख करना चाहूंगी, आपने देखा कि नैन्सी पेलोसी के विमान को किस तरीके से सुरक्षा दी जा रही है, क्या हवा और क्या पानी, क्या जल थल, सब जगह से अमेरिका ने अपनी ताकत को बता दिया है। लेकिन अगर मैं भारत के नजरिए से इसको समझूं, अमेरिका की इस जीत को, चीन की इस हार को, तो क्या ये भारत के लिए भी एक बहुत फायदेमंद दौरा रहा कि भाई चीन को उसकी औकात अमेरिका ने दिखा दी और अमेरिका के साथ भारत के रिश्ते अच्छे हैं? पहले शोभना जी, एक सेकंड में और लूंगा, फौजी दिमाग जो इनकी रूटिंग में चल रहा है मेरा जी, वो ये है कि सिक्योरिटी को पूरा इंपॉर्टेंस दी गई है। आप देखिए, कोई प्लान नहीं बता रहे, एक दूसरे देशों में जा रहे हैं, लेकिन इवन कल भी आते समय उन्होंने डिफरेंट रूट लिया था, जो एक फिलीपींस के लंबा रूट लिया था, अभी भी बहुत ही सिक्योर, मतलब सिक्योरिटी समय में सबसे ऊंचा उनका एजेंडा है कि कहीं किसी प्रकार से इस विमान के साथ कोई घटना ना हो जाए, चाइना किसी प्रकार का मिस एडवेंचर ना ट्राई करे। दूसरी बात यह है कि यहाँ जो आप कह रहे हैं कि अमेरिका के इस एक्शन से भारत को फायदा होगा, मैं उल्टा कहता हूँ शोभना जी, कि भारत ने जो दुनिया को दिखाया गलवान के बाद, ये पहली बार ऐसा हुआ था कि जब जो भारत ने स्टैंड लिया
चाइना जब वियतनाम वॉर के बाद उसके बाद से कोई किसी के साथ जंग नहीं हुई चाइना की, और वो सोचने लगा था कि मेरी इकोनॉमी बहुत बड़ी हो गई है, मेरा डिफेंस बजट बहुत ज्यादा है, और उस समय में भारत ने आंखों में आंखें डाल के स्टैंड लिया और आज तक हम लोग ने अपना स्टैंड बरकरार रखा है। इससे दुनिया को लगा, पता चला कि ये खाली गीदड़ भक्ति है, जो बादल गरजते हैं वो बरसते नहीं है, और जिस प्रकार से ये जो लोग स्टैंड ले सकते हैं, अमेरिका में मानता हूँ एक बहुत बड़ी शक्ति है, और आज अमेरिका भी भारत की तरफ देख रहा है कि किस प्रकार से भारत उनके साथ जुड़े और चाइना के खिलाफ एक, चाहे वो क्वाड हो, चाहे वो I2U2 हो, चाहे इस तरह के जो भी कहीं पे मीटिंग्स हैं, अमेरिका भारत को अपने गठबंधन में जोड़ने की पूरी कोशिश कर रहा है। बिल्कुल ठीक है, मेरे पास मैं आप बने रहिए, आप दोनों ही मेहमान मेरे साथ बने रहिए। ताइवान पर तकरार, जिस तरीके से चीन का रुक रहा, चीन लगातार ये कहता रहा कि ये हमारे आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप है, अमेरिका हमें भड़काने का काम कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद नैन्सी पेलोसी का सफल दौरा ताइवान में रहा। अब वो उड़ान भर चुकी है और दक्षिण कोरिया के लिए उनका विमान लगातार आगे बढ़ रहा है। दो बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मेजर जनरल रिटायर्ड संजय सोई जी रक्षा विशेषज्ञ हैं, और स्कंद तायल जी पूर्व राजनयिक मेरे साथ जुड़े हुए हैं। स्कंद तायल जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी कि अब देखिए नैन्सी पेलोसी तो वापस उड़ गई, लेकिन ताइवान जैसे कमजोर देश के लिए अब चीन किस तरीके की और मुसीबतें खड़ी कर सकता है, क्या संभावना, क्या आशंका आप देख रहे हैं? देखिए, दोनों तरफ से मैसेजिंग हो गया, नैन्सी पेलोसी की विजिट हो गई, और ये जो थोड़ा घेराबंदी चाइना ने कहा है कि 4 दिन तक करेंगे, उसके बाद शायद वो पीछे हट जाएंगे, मामला यही खत्म कर देना चाहिए और ताइवान को भी आगे बढ़ाना नहीं चाहिए। क्योंकि देखिए, चीन हमें याद है कि सिविल वॉर के बाद 1950 में चीन ने कोरिया में इंटरवीन किया था, और चीन कुछ भी नहीं था उस समय, और अमेरिका बहुत पावरफुल था, पर अगर चीन को कहीं ना कहीं लगता है कि उसके वाइटल इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, उसने वियतनाम पे भी हमला कर दिया था 1979 में, तो चीन को भड़काना नहीं चाहिए। चीन को देखिए, मैं समझता हूँ कि जैसा कि भारत ट्रीट करता है, भारत दूसरे देशों को चीन को रेस्पेक्टफुली ट्रीट करना चाहिए, और चीन को भी सब देशों के साथ रेस्पेक्टफुली बात करनी चाहिए। ये नहीं कि केवल चीन की सॉवरेनिटी, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, वन चाइना पॉलिसी तो दुनिया भर माने, और चीन अरुणाचल प्रदेश को भी अपना कहे, लद्दाख को भी अपना कहे, हांगकांग भी अपना है, पूरा साउथ चाइना सी भी उनका है, ताइवान भी उनका है, तो ये अब दुनिया सोच रही है कि वन चाइना पॉलिसी अब क्वेश्चन हो रही है। हम तो बात कर रहे हैं थिंक टैंक्स में, जैसे कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इंडिया पाकिस्तान बन गया, उसके बाद नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया बन गया, इस तरह अब इस समय दो चीन है, और ये वन चाइना पॉलिसी को भारत अगर आधिकारिक रूप से फॉर्मली हम क्वेश्चन ना करें, पर हमारी लेवल पे हम लोग हैं, जनरल साहब हैं, हमें वन चाइना पॉलिसी को क्वेश्चन करना चाहिए, क्योंकि चीन एक भारत की को एक भारत नहीं मानता और भारत को तोड़ने का प्रयत्न करता है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, और ये जो वन चाइना पॉलिसी है, विस्तारवादी नीति की लगातार पैरोकारी करता रहता है चीन, कहीं ना कहीं समझना होगा कि अब वो दौर नहीं है। लेकिन मैं आपका रुख करना चाहूंगी, रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ बने हुए सोई साहब, अगर दक्षिण चाइना सी यानी साउथ चाइना सी में इस तरीके का तनाव बढ़ता है, तो आप भी जानते हैं कि भारत की भी बहुत निर्भरता है व्यापार के लिए इस रास्ते पर, तो कहीं ना कहीं दो देशों की लड़ाई में, दो देशों की ईगो में भारत का भी नुकसान आप देख रहे हैं? नहीं, बिल्कुल शोभना जी, बहुत अच्छा सवाल है ये। इनफैक्ट इस समय जो माहौल बना हुआ है, फ्रेंकली ये बहुत टेंस माहौल है। ऐसे में दोनों की सेनाएं, अमेरिका की, चाइना की, पूरी तरह डिप्लॉयड है, और ईगो प्रॉब्लम आ रखी है दोनों में, और एक तरह से मान लीजिए कोई छोटी सी चिंगारी, कई बार ये खतरा लगता है कि बहुत बड़ी आग ना बन जाए, क्योंकि अगर ऐसा बन जाता है तो आप सोचिए कि पूरा एशिया पैसिफिक जो इलाका इफेक्टेड हो जाएगा, जितने आसपास के देश हैं, भारत है, क्योंकि व्यापार के हिसाब से जो साउथ चाइना सी है, बहुत इकोनॉमिक एक्टिविटी काफी है, तकरीबन 45% तक मेरे ख्याल तक ट्रेड वहां से निकलता है। तो ये सब चीजें देखते हुए भारत और जो बाकी जितने देश हैं वो सब काफी अफेक्टेड होंगे, पूरी दुनिया अफेक्टेड हो जाएगी। आप देखिए, रशिया यूक्रेन की लड़ाई हुई तो दुनिया के ऊपर कितना असर पड़ गया, इन्फ्लेशन हो गया, खाद्यान्न की कमी हो गई है, और अगर यहाँ पर इस तरह की जंग छिड़ती है तो
तो दुनिया, पूरी दुनिया ही परेशान होगी, भारत ही नहीं सारी दुनिया पे इफेक्ट आएगा। और मैं ताहिर जी से बिल्कुल सहमत हूँ कि यहाँ पर इसको शांति से निपटाना चाहिए। हालांकि चीन का ये उद्देश्य है, लॉन्ग टर्म एम है कि ताइवान को उन्होंने अपने मिलाना है, लेकिन वो लंबे समय में कब करें, 10 साल करें, वेट करेंगे, अमेरिका कब वहां से हटता है, कब उनकी ताकत और बढ़ती है, उस चीज की इंतजार करेंगे। लेकिन अभी फिलहाल इस चीज का समय नहीं है, दोनों देशों को शांति से करके डिसएंगेज हो जाना चाहिए। बिल्कुल, आप स्कंद तायल जी भी यही कह रहे थे, मैं भी इसी बात से सहमत हूँ और आप भी। लेकिन स्कंद तायल जी, जो चाइना का रुख है, आप देखिए कि इतने बड़ी दुनिया में रशिया जरूर उसका फिलहाल की परिस्थिति में मित्र नजर आ रहा है, अदरवाइज चाइना का साथ देते हुए बहुत कम देश दिखाई देते हैं, ऊपर से दिखे भी लेकिन अंदर से वो सब जानते हैं कि ये जो देश है ये विस्तारवादी नीति में विश्वास करता है, ये दूसरे के बाजार खत्म करने में विश्वास रखता है। आप देख ही रहे कि लोन देकर कैसे श्रीलंका को सड़क पर ला दिया। कहीं ना कहीं चाइना को अब पूरी दुनिया का भी खौफ, आप देख रहे हैं कि अब पूरी दुनिया एकजुट है चाइना की नीतियों के खिलाफ। नहीं, मैं ये नहीं कहूंगा बिल्कुल कि पूरी दुनिया एकजुट है। देखिए, ईरान चाइना के साथ है और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव देखें, आसियान देश, 10 आसियान देश हैं, वो या तो चीन से डरे हुए हैं, उनकी सबसे अधिक ट्रेड जो है वो चाइना के साथ है, सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट चीन से आ रहा है। तो हमें कभी भी इस मुगालते में नहीं रहना चाहिए कि चीन आइसोलेट हो रहा है। चीन दुनिया की सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है और चीन पूरे एशिया पैसिफिक में बहुत ताकतवर देश है, पर चीन की जो विस्तारवादी नीति है उसके खिलाफ छोटे वो देश हो बड़े देश हो वो पुशबैक कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप दोनों ही मेहमानों को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं क्षमा चाहती हूँ तायल जी, मेरे पास इतना ही वक्त है। प्रणय उपाध्याय, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव ट्रैकर के जरिए समझाया आपने कि ये विमान नैन्सी पॉलिसी का कहां पहुंच चुका है और मातृभूमि में। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। ये हैं शर्मा जी, जो रात का खाना और देश दुनिया की सुर्खियां दोनों लेते हैं सुमित अवस्थी के साथ। अब ये हैं इनके पड़ोसी बैनर्जी साहब, मिष्टी दोई खाते खाते पूरा बंगाल जान लेते हैं सुमन दे के साथ। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट न्यूज एंकर को एक ही ऐप पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।